जेल मैनुअल ये कहता है, जेल का नियम ये कहता है, जेल का नियम 602 और 605 ये कहता है कि किसी की भी मुलाकात फेस टू फेस कराई जा सकती है और यह अधिकार जेल प्रशासन को होता है, इसका बाकायदा नियम है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसकी कॉपी भी दे दे रहा हूं, 602-605 के तहत जेल प्रशासन मुलाकात करा सकता है। अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी आप सब जानते हैं, उनका परिवार चिंतित है, परेशान है, मां बाप दोनों बीमार हैं, हाल चाल जानने के लिए, बताने के लिए जब केजरीवाल जी की पत्नी मुलाकात के लिए अप्लाई करती हैं, तो उनको कहा जाता है आप फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर सकते, आप कहीं किसी कमरे में बैठ के मीटिंग नहीं कर सकती, बल्कि आपको जंगले से जो मुलाकात होती है, एक बीच में शीशा होगा और जंगले से एक तरफ केजरीवाल जी मिलेंगे और एक तरफ उनकी पत्नी सुनीता जी और जो साथ में गए थे साथी वो, उस दिन शायद विभव की मुलाकात थी। तो मेरा ये कहना है इतना अमानवीय व्यवहार, इसी तिहाड़ जेल के अंदर एक नहीं, आप इनके इतिहास उठा के देखिएगा और आरटीआई में जवाब अगर मांग लीजिएगा, पूछिएगा इनसे, सैकड़ों मुलाकातें फेस टू फेस बिठा के कराई गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री की मुलाकात के लिए आवेदन किया जाता है, सुनिएगा, बहुत बहुत बढ़िया बात आपको बता रहा हूं, उनके साथ मेरा नाम डाला जाता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान जी और दिल्ली के सांसद संजय सिंह जी की मुलाकात कराई जाए। हमारे जो वकील साहब अप्लाई करते हैं उनको टोकन नंबर दे दिया जाता है, टोकन नंबर बता रहा हूं आपको 4152, टोकन नंबर दे दिया जाता है कि संजय सिंह की मुलाकात और भगवंत मान जी की मुलाकात टोकन नंबर 4152 पे होगी, यह संभवतः 9 या 10 तारीख को मिल जाता है, वो सारे कागजात अभी आपको दे देता हूं। अचानक मुलाकात के एक दिन पहले रात में मेल आती है और एक मुख्यमंत्री की और एक सांसद की मुलाकात को कैंसिल कर दिया जाता है कि सुब्रतो राय सहारा, उसको फोन इंटरनेट की सुविधाओं के साथ इसी जेल में तमाम मीटिंगें करने की, आमने सामने बैठ के मीटिंगें करने की, ऑफिस में मीटिंगें करने की इजाजत थी, लेकिन केजरीवाल को, चंद्रा ब्रदर्स को इजाजत थी, लेकिन केजरीवाल को वो इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सोचते हो कि केजरीवाल का मनोबल तोड़ा जा रहा है, लेकिन केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल उस शख्स का नाम है जिसने IRS की नौकरी को लात मारकर देश सेवा का संकल्प लिया, जिसने सिद्धांतों की बात आई तो 49 दिन की सरकार से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का काम किया, लेकिन आज लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, संविधान को बचाने की है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, आप दोनों से कहना चाहता हूं, जो एक संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, जेल के नियमों के तहत अधिकार है, उन अधिकारों को छीनने का काम मत कीजिए और अपना नाम हिटलर शाही के रूप में दर्ज कराने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में जितने हिटलर हुए उनका अंत